देखिए हमारी जो कंपनी है इजिस, ये इंजीनियरिंग कंसल्टिंग की कंपनी है। तो इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी का काम दो तरीके से होता है, एक तो प्री टेंडर, हम जैसे RFP डिज़ाइन करना, नए नए टेंडर जो भी इनके जो प्रोजेक्ट्स अभी तक रुके हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए हम टेंडर बनाएंगे, RFP निकालेंगे, नए कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए अपॉइंट होंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो जाएंगे, जब टेंडर हो जाएगा, अवार्ड हो जाएंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन की सुपरविजन, तो ये दोनों काम की जो जिम्मेदारी है वो कंसल्टेंट की होती है। हाँ जी, हाँ, वो हमने जो MOU में हमने स्कोप डिफाइन किया है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम करेंगे, तो उसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो हमने इनके साथ बैठ के डिस्कस किया है कि कौन से प्रोजेक्ट शुरू में लेंगे, कौन से ज़्यादा प्रायोरिटी है। एजिस के साथ MOU कल साइन हुआ है, और जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लेने वाले हैं, अभी नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि मेनली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, और स्मार्ट क्लासेस के प्रोजेक्ट हैं। ये नए प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंसल्टेंट के द्वारा इसके बारे में इनका DPR तैयार करना और वो सारे जो भी इनके वर्क्स हैं वो वेल डिफाइंड हमने इनको दे दिए हैं। और लास्ट 2 साल से भी ज़्यादा कंसल्टेंट नहीं था, जिसके चलते काफ़ी परेशानी आ रही थी, स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। तो आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंसल्टेंट के आने से हमारा जो वर्क है वो उनके टेंडरिंग से लेके सारी चीज़ों में हम आगे रहेंगे, हमारा कंप्लीशन भी अच्छा होगा, उसका सुपरविज़न मॉनिटरिंग भी सारा अच्छा होगा। इस कंपनी की क्या विशेषता है? कंपनी के बारे में तो एक तो आप ही बताओ, चंडीगढ़ प्रोजेक्ट। कंपनी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी में काम कर रही है, और इन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व रही है। इट्स अ ग्लोबल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, और स्मार्ट सिटी का इनको काफ़ी अनुभव भी है, और जिसका कि फ़ायदा हम अजमेर स्मार्ट सिटी में लेंगे इनसे। और कोई क्वेश्चन भी है? अच्छा सर, केंद्र सरकार स्वदेशी पर लगी है, लेकिन इतना छोटे काम के लिए भी हम विदेशियों के सहारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया देश का विदेश जा रहा है एक कंसल्टेंट के लिए। टेंडर प्रोसेस ये टेंडर प्रोसेस है, टेंडर जिसके